हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज मॉर्निंग की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा आप वीडियो में स्टार्ट से देख रहे हैं, तो आज देखिए हस्बैंड ने कितना बड़ा सरप्राइज़ दिया है मुझे। और ये MIMNews सिल्वर 1000 US में, और कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे दिखा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई है। देखिए, जब हस्बैंड कोई बीवी को मतलब सरप्राइज़ चीज़ ला के देते हैं, तो चाहे छोटी या बड़ी हो, बहुत अच्छा लगता है। तो हस्बैंड ने पहले मुझे ये ट्रॉफ़ी ला के दी, तो मुझे सच में इतना मन खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा है। तो काफ़ी खुश थे हस्बैंड भी। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा नज़ारा, और मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं। मतलब यहाँ पर ना रोज डेली बारिश होती है गाइस। अगर घर में मशीनें ना हो तो कपड़े सूखना बिल्कुल भारी है। बट हाँ, यहाँ की बारिश अच्छी है, क्योंकि मतलब दिन में सुबह को बारिश होती है, शाम को बट दोपहर में धूप ज़रूर होती है। ये बहुत बात, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। और यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे मौज मस्ती अपनी। आजकल गाइस वही है ना कि बच्चों की क्लास चल रही है ऑनलाइन, और बस वही 10-5 मिनट के लिए ऑनलाइन क्लास हुई और वीडियो कॉलिंग हुई, तो चली जी हो गई पढ़ाई बच्चों की। तो इसलिए बच्चे ना बेफिक्र होकर पढ़ाई भी कर रहे हैं अपनी, और खेल कूद मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़े कपड़े भी मैंने वॉश किए थे, ऊपर से उतार के लाई थी मेरी बहन। तो यहाँ पर रेलिंग है अंदर बरांडे के अंदर ही, तो मैं यहाँ पर ही डाल रही हूँ, कपड़े डाल दिए, सूख जाएंगे पंखे में। और देखिए मोटी मोटी बूंदें स्टार्ट हो गई हैं आनी गाइस, मतलब इतनी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हूँ। और यहाँ देखिए कितना सुंदर बैकग्राउंड लगता है यहाँ से, कि एकदम पहाड़ों में ही जैसे घर एकदम घिरा हुआ है। और ये जो है ना, ये वाला पेड़, तो ये उसका कटहल का, जो गाइस खट्टे मीठे होते हैं ना उसका, तो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं इसके। पता नहीं आप क्या बोलते हो, मैं तो कटहल ही बोलती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा है, मैं इसका अचार भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर बैकग्राउंड लगता है, बिल्कुल घिरा हुआ, जैसे कि हरियाली में घिरा हुआ रहता है ना एकदम घर। और यहाँ पर ये वाला तुलसी माता मैंने यहीं पर रख दी है, और सामने बिल्कुल सूरज निकलता है, तो मैंने किसकी यहाँ पर रख के यहाँ पर पूजा कर लिया करेंगे। तो अच्छा लगता है आपसे शेयर करना सब बातें। और गाइस पता नहीं क्या दिमाग मेरा सच में ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोग मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कोई अगर गलती मिस्टेक है मेरी वीडियो में तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सुधारने की फुल कोशिश करूँगी गाइस। और यहाँ पर देखिए और एक कितनी हरियाली हो गई यहाँ पे, बने मेरे जेठ की कार है इधर, उधर मेरी है नीली वाली इधर खड़ी कर दी, क्योंकि इधर पार्किंग कम है गाइस। तो यहाँ पर जैसे रास्ते वगैरह, तो हम रास्ते वगैरह पर खड़ा कर सकते हैं, तो यहीं पर हैं। और ये यहाँ पर भी बनने वाला है शायद, तो काफ़ी। और देखिए कितना अच्छा लगता है, उधर साइड में पड़ रही है मोना, भी आपको दिखाऊंगी मैं। मतलब होता है ना बच्चों की, बस याद हो जाए, तो घूम घूम के वो याद कर रही है अपना। ये देखिए रेलिंग पे बोल रही, मम्मा मुझे मत दिखाओ, मजाक डालेंगे मेरी। मैंने क्यों बेटा मजाक क्यों डालेंगे। तो इधर अंशी के साथ में खेल के बच्चों के साथ, देखिए खेल खिलाते नहीं हम, तो खुद खेलते हैं बच्चों के साथ में, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी भांजी ना। तो उसके साथ में आ गई थी, फिर किचन में आ गई हूँ मैं। यहाँ पर आलू छील रही हूँ, फिर इनको बॉईल करने रखूँगी, और एक बना रही हूँ मैं दोपहर को। चने मैंने रखे थे भिगा करके, तो मैं आलू और चने की सब्ज़ी बनाऊँगी आज, सबका मन था खाने का, और चावल से ही बनाऊँगी रसीले वाले। यहाँ पर भी तब उबलते हैं और अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। और ये देखिए मेरा कितनी वीकनेस है ना, मेरे चेहरे पर एकदम ना गाइस स्वेलिंग भी हो जाती है, पता नहीं क्यों। और मेरे हेयर के बाल ना बहुत ज़्यादा मतलब हेयर बहुत झड़ने लग गए मेरे। और यहाँ पर हम दोनों बहनें कर रहे हैं आपस में बातें, मैं सोचा चलिए यहाँ पर टमाटर वगैरह कट कर लेते हैं, तब तक किचन का भी पूरा। और देखिए मतलब बात बात में काम भी हो जाते हैं, तो इतना वो नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं टमाटर भी कट कर लूँगी, मिर्च भी। और तो जीतू ना, और पता नहीं शायद हंस रहा था। तो चलिए आ गए किचन में, और लगा लूँगी मैं तड़का, जैसा आपको पता है सिंपल तड़का लगाती हूँ मैं। तो मैं लगा लूँगी, मैंने सरसों का ऑयल लिया है, और जीरा हिंग डाल का तड़का लगा रही हूँ, और टमाटर मिर्च का।
तो यहाँ पर। और गाइज मेरा ट्राईपोड ना पता नहीं कहाँ में गा, पता नहीं कैसे मिल ही नहीं रहा, कि कितनी सेटिंग की है ना सामान के घर में, पता नहीं कहीं रखा है, इसलिए फ़ोन से ही कर रही हूँ, तो इग्नोर कर देना। और यहाँ पर ना रसीली बना रही हूँ एकदम, ना सबको रसीली सब्जी चाहिए थी यार, चावल ही बनाऊँगी दोपहर में, रोटी नहीं बनाऊँगी, तो सबको खाने का मन था, मुझे भी रसीली सब्जी अच्छी लगती है। और बच्चों ने खाना खाया भी नहीं था, तो बच्चे ट्यूशन के लिए चले गए थे तीनों, तो वैसे बच्चों ने नाश्ता वगैरह सब कर लिया था, तो बच्चों मैंने कि बच्चों को पहले बाहर तक छोड़ के आती हूँ, तो चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और देखिए राखी बंधन, राखी बिकनी शुरू हो गई हैं हमारे इधर ना, बहुत मतलब राखियाँ बिकने आती हैं घूमने वाले, जो फेरी वाले आते हैं। तो मैं भूल गई थी जीतू को देने के लिए फ़ोन, क्योंकि जीतू फ़ोन लेके जाता। तो गाइस चलते हैं, आपको एक अद्भुत नज़ारा दिखाती हूँ मैं, यहाँ का ना बहुत अच्छा पानी है धारा, जो देहरादून में रहने वाले होंगे उनको ज़रूर पता होगा ये, क्योंकि अनटोल्ड सारे ही देहरादून के जितने भी हैं सब पानी यहीं का पीते हैं, क्योंकि कार ले लेके आते हैं, और बड़ी बड़ी बॉटल मतलब बड़े बड़े डब्बे ऐसे कैन वगैरह लेके आते हैं, तो वो 8-8 दिन चल जाता है उनका पानी। तो मतलब ये पानी ना इंग्लैंड से चेक होके आया था ये वाला पानी, तो 100% गारंटी के साथ पानी सब पीते हैं इसको, और आर ओ पर भी नहीं विश्वास करते जितना विश्वास इस पानी पे करते हैं। तो मैं बोल रही थी गई, तो इसलिए मैंने ना बंद कर दी थी, वॉइस ओवर कर दिया था, क्योंकि आवाज़ ना ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आ रही थी, मैंने चलिए आपको ले चलती वहीं पे। तो काफ़ी मौसम अच्छा हो रहा था ये देखिए, और बहन भी ना यहाँ पर जो होते हैं ना कपड़े, थोड़ी सी धूप निकल गई थी तो कपड़े डालने लगी थी यहाँ पर, और अभी मुझे पौधे भी लेने हैं गाइस। और ये देखिए, और यहाँ पे ना भाई सो गया था छत पे, तो मैं ऐसी मतलब यानी कि ये भी पड़ा रहने दो, सूख जाएगा गद्दा वगैरह। तो यहाँ पे ना, और तुन का पेड़ है गाइस इधर कहीं, मैंने अपनी मम्मी के यहाँ साइड से यहाँ पर बस एक बार तुन का पेड़ देखा, वरना मैंने तुन का पेड़ आज तक पहाड़ों में नहीं देखा है, शायद जो देसी होंगे वो जानते होंगे यूपी से। और ये देखिए यहाँ पर ना तुअर खड़ी है, तुअर की दाल जो बोलते हैं ना वो खड़ी है यहाँ पर, कितना प्यारा लग रहा था मुझे। और हल्दी खड़ी है यहाँ पे, और ये वाला पौधा मैंने यहीं पे रख दिया है अभी। तो चलिए चलते हैं गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको धारा जहाँ से पानी निकलता है, और यहाँ सभी में पानी निकलता है, और स्रोत है मतलब पहाड़ों का पानी आता है जड़ी बूटियों का, इतना टेस्टी पानी होता है गाइस कि कहीं का पानी हम पी नहीं सकते इस पानी के अलावा। ये देखिए इतनी भीड़ लगी रहती कि अभी तो मतलब संडे है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 9:30 का टाइम होगा, तो इसलिए मतलब इतनी भीड़ की, जहाँ ये बाइक खड़ी थी उसके आगे मतलब बाइक खड़ी रहती है, लाइन लगी रहती है, इतना पानी ले जाते हैं लोग। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे करके ले जाते हैं लोग, खूब रख लेते हैं, और मैं भी यहीं का पीती हूँ, और इस पानी से ना बहुत अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग रहती है बॉडी, तो मैं भी जिस दिन से यहाँ का पानी पी, तो मुझे थोड़ा बेटर फील, अच्छा लगता है यहाँ का। और मेरी बहन भी यहाँ पर बैठने लगी थी, और जो देहरादून से, प्लीज़ सभी ये वाला पानी पीजिए, बहुत अच्छा है। तो मैंने भी ले लिया एक बॉटल में पानी अपने लिए, तो जाके मैं पीऊँगी, और ज़रूर पीजिए पानी ये वाला, बहुत अच्छा है, और इसी से ना गठिया थायराइड मतलब सब ठीक होता है इस पानी से। और ये देखिए ऐसे पानी चलता है, और चलता ही रहता है 24 घंटे, कभी बंद नहीं होता पहाड़ों का पानी, और मुझे तो बहुत फ़ायदा है इस पानी से, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर पीजिए पानी देहरादून में रहने वाले और बाहर का भी। और ये पानी ना मतलब बिकने के लिए वो नहीं है जैसे लोग पहले बेचते थे, बट अब नहीं ये करते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा पानी पहले पी लेती हूँ, और आपको दिखा लेती हूँ कितना साफ पानी है ये। और गाइस थोड़ा वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ इस मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और ये देखिए, और हाँ गाइस जो रेड बटन होता है ना उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, उसको प्रेस नहीं करोगे तो आप कैसे मिलोगे। तो ये देखिए कितना साफ पानी है, और आप भी पी लीजिए, आ जाइए। सच में गाइस एकदम मीठा पानी है, बहुत टेस्टी पानी है, मेरे घर में सभी यही पीते हैं, और बहुत अच्छा पानी है, एकदम मिनरल बॉटल की से भी अच्छा है, बेटर है ये। आर ओ से तो मुझे कोई मतलब आर ओ से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, सिर्फ आर ओ में साफ होता है पानी, बट ये आर ओ से भी 100% बहुत अच्छा पानी होता है ये। और चलिए गाइस बाय बाय, अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।